हेलो गाइस, दिस इज मिस्टर। सो आज मैं बताने वाला हूँ आपके जो न्यू सिलेबस के बारे में। आपका एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल का जो न्यू सिलेबस आया है 2017 का, पहले जो है 2012 आपका जो है ओल्ड सिलेबस था, अब आपका जो है न्यू सिलेबस चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा ये बताना चाहूँगा कि प्रोफेशनल फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो भी चेंज हो गया है 2017 का, उसमें चेंज हो गया। बस उसमें कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आए हैं, कुछ जो है बुक्स के केवल नाम चेंज हुए हैं, बट एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल का भी चेंजेस आए हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस इन द न्यू सिलेबस, अंडर द न्यू सिलेबस 2017 सिलेबस। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टाइप द साइट विच इज़ www.issi.edu। ये आपकी मेन साइट ICSI की, स्क्रोल डाउन आप करेंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है कौन से लिंक पे जाकर आपको कैसे इसकी डिटेल में जानकारी मिल पाएगी, कौन कौन से सिलेबस में चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे सेकंड ऑप्शन आपको शो हो रहा है, ICSI नोटिफिकेशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिलेबस फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर शो करेगी। ठीक है, सो देखिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पहले आपके जो है दो मॉड्यूल हैं, अभी भी दो मॉड्यूल हैं। पहले आपके 7 पेपर होते थे, बट आपके जो है अब 8 पेपर हो चुके हैं। पहले जो है फर्स्ट मॉड्यूल में 4 पेपर थे, सेकंड मॉड्यूल में केवल 3 पेपर थे, बट अभी जो है आपके फर्स्ट मॉड्यूल में भी 4 हो चुके हैं और सेकंड मॉड्यूल में भी 4 हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वाला सब्जेक्ट जो आपका है ये नया आया है, ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा नया लग सकता है आपके बुक्स के हिसाब से, और ये वाला सब्जेक्ट आपको नए हिसाब से लग सकता है नया है। ठीक है, ये आपको जो है मेजर चेंजेस हैं एग्जीक्यूट प्रोग्राम के। ठीक है, इसके अलावा भी बात करेंगे प्रोफेशनल प्रोग्राम के, बट आपको बताता हूँ ये इफेक्ट जो है कब से आएगा, इसकी डिटेल यहाँ पे शो करेगी। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जीक्यूट प्रोग्राम के, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ एग्जीक्यूट प्रोग्राम अंडर द न्यू सिलेबस शैल बी हेल्ड इन दिसंबर 2018। सो आपको जो पहला एग्ज़ाम होगा न्यू सिलेबस के अंडर वो होगा इस दिसंबर 2018 जो आने वाला है उसमें। ठीक है, किस किस कौन कौन जो है उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, किसके लिए अप्लीकेबल होगा, तो श्योर सी बात है जो जो पहले ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनके लिए जो है दिसंबर 2018 वाला एग्ज़ाम जो है काउंट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो ओल्ड के हिसाब से दिसंबर 2018 में दे सकते हैं। ठीक है, अब ये किन के लिए अप्लीकेबल होगा वो आप सेकंड कंडीशन देख सकते हैं, कंडीशन रजिस्टर्ड अफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2017 शैल बी एग्जाम फॉर द अंडर न्यू सिलेबस। सो अगर आप जो है न्यू सिलेबस के अंडर रजिस्ट्रेशन कराते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, मतलब 1 मार्च से लेकर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, तो उस केस में जो है आप ऑलरेडी और न्यू सिलेबस में चले जाएंगे और आपको दिसंबर 2018 में केवल एक मॉडल देने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करने की जो गाइडलाइंस है वो ओल्ड ही है कि अगर आप जो है 28 फेब से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 2 मॉडल दे पाएंगे दिसंबर 2018 में, बट उसके बाद कराते हैं और 31 मई से पहले कराते हैं तो केवल आप एक ही मॉडल दे पाएंगे दिसंबर 2018 में। बट यहाँ पे ये चेंजेस हुए हैं कि मार्च के बाद अगर आप कराते हैं, 31 मई से पहले कराते हैं तक कराते हैं, तो आपको केवल जो है एक ही मॉडल देने के लिए मिलेगा न्यू के अंडर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है उसके बाद कराएंगे तो ओल्ड यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट पे हम जाएँ तो अगर आप ओल्ड सिलेबस में हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको ये बताता है कि हाँ एक सेकेंड, हाँ थर्ड पॉइंट आपको ये बताता है कि अगर आप जो है ओल्ड सिलेबस में हैं तो आप अगर न्यू सिलेबस में आना चाहते हैं, कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने फैब में रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको अगर ये लगता है कि न्यू सिलेबस के हिसाब से उनको जो है पढ़ना चाहिए क्योंकि आगे जो है उनको ज़रूरी होगा, ठीक है, तो उनके लिए जो है बिल्कुल अलाउड है, वो जो है अपना ओल्ड से न्यू में चेंजेस कर सकते हैं, स्विच ओवर कर सकते हैं, बट मार्च के बाद जो है उनको चेंजेस करना पड़ेगा और जो बुक्स होंगी बुक्स उनको जो है खुद खरीदनी पड़ेंगी, परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट पे जाएँ तो ये सेम ही है, देन उसके बाद जो है हाँ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप ओल्ड के हिसाब से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप केवल जो है दिसंबर 2019 तक ही आपके एग्ज़ाम दे पाएंगे, मतलब दिसंबर 2019 के बाद जो है चाहे आपने क्लियर नहीं किया है आपका एग्जीक्यूटिव तो आपको जो है तो मतलब उसके बाद जो है आपको मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको नए सिलेबस में आना ही पड़ेगा, स्विच ओवर करना ही पड़ेगा, तो आपको जो लास्ट एग्ज़ाम हो जाएगा ओल्ड सिलेबस के हिसाब से वो दिसंबर 2019 तक ही आप दे पाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का था। इसके अलावा जो है
हाँ, अब प्रोफेशनल की अगर बात करें तो प्रोफेशनल में जो है माइनर चेंजेस हुए हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। फर्स्ट मॉडल 3 पेपर पहले भी थे, अभी भी हैं। सेकंड मॉडल में 3 पेपर अभी भी हैं, पहले भी थे। थर्ड पेपर में जो है 3 पेपर अभी भी हैं और पहले भी थे। लेकिन यहाँ पे थर्ड मॉडल में थोड़ा ये चेंजेस हुए हैं कि जो 7 और 9, 8 और 9 पेपर है, यहाँ पे आपको ओपन बुक्स का ऑप्शन मिलता है दोनों ही पेपर में। ठीक है, तो नहीं मतलब जो 8 वाला पेपर है ये भी ओपन बुक होगा, 9 वाला पेपर भी ओपन बुक ही होगा। और 9 में जो है जहाँ आपके पहले 5 पेपर का ऑप्शन दिया जाता है, मतलब 5 पेपर में से एक आपको सेलेक्ट करना पड़ता था, वहाँ आपको 8 पेपर दिए गए, मतलब 8 पेपर में से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो ये माइनर चेंजेस हुए हैं। उसके अलावा जो है एग्जामिशन के लिए मैं जो है दूसरी वीडियो आपको बताऊँगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती हो तो इस जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके अंडर में कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है एग्जामिशन के रिगार्डिंग कि किस में एग्जामिशन आपको मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। अगर मुझे आप क्वेरी करते हैं तो एग्जामिशन के बारे में आपको जो है वीडियो बताऊंगा कि किस किस में जो है और किस किस को इसका, अगर जो है सपोज कोई भी एक मॉडल क्लियर कर लेता है तो उसको कौन कौन से पेपर देने हैं और कौन कौन से पेपर उसके एग्जाम हो जाएंगे इस तरह का। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो वैसे काफ़ी सिंपल है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रोफेशनल का भी और एग्जीक्यूटिव का दोनों का बताऊँगा। अब प्रोफेशनल की बात करें तो प्रोफेशनल एग्ज़ाम जो है कब से इफेक्टिव होगा, देखिए न्यू सिलेबस के अंडर जो है अगर आप 1 सितंबर 2018 जो आने वाला सितंबर है उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप अंडर में न्यू में चले जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, अभी आप रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं या अभी जो है स्टूडेंट हैं तो आपको जो लास्ट एग्ज़ाम हो जाएगा वो आप जून 2020 में दे सकते हैं आपके ओल्ड के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है द लास्ट एग्जाम ऑफ द प्रोफेशनल प्रोग्राम अंडर द ओल्ड सिलेबस हेल्ड इन जून 2020। तो मतलब 2 जून 2020 तक जो है आप ओल्ड के हिसाब से आपके एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जो है प्रोफेशनल में 1 सितंबर के बाद रजिस्ट्रेशन कराया है तब आप ऑलरेडी न्यू में चले जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा भी जो है काफ़ी चेंजेस आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर बताया गया है कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से क्या क्या चेंजेस आएंगे, प्रॉपर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको जो है कोई भी क्वेरी रहता है तो किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, देख सकते हैं काफ़ी जो है इसका आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था आपको जो न्यू सिलेबस 2013 का, 2012 जो है ओल्ड सिलेबस में था, और 2000 ये आपका जो है 2017 का जो है न्यू सिलेबस आ चुका है एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल का। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको जो अगर वीडियो चाहिए कौन कौन से क्लियर करने के लिए, कौन कौन से एग्जाम आपके सब्जेक्ट हो गए हैं तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको जो है एक स्पेशल जो है एग्जामिनेशन की वाली वीडियो आपको बना के बताऊंगा। ठीक है, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों, देखिएगा इस चैनल में आपको जो है जो चीज़ें मिलेंगी जो आपको किसी भी चैनल में आपको नहीं मिलेंगी। पर्टिकुलर अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहती है, अगर आपके हेल्प नहीं हो पाती है, आपके अकाउंट में शो नहीं करता है तो पर्टिकुलर जो है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल आईडी है। ठीक है, वहाँ आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको जो है ज़रूर सर्व कर पाऊँगा। और एट द लास्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, ओके, फॉर किस सही लाइव अपडेट। थैंक यू।